नागफणी स्थित बद्रीनारायण मंदिर के पट शुक्रवार को अक्षय तृतीया के अवसर पर खोले गए। इसके चलते भगवान के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। भगवान बद्रीनारायण का नयनाभिराम श्रृंगार कर दोपहर 12 बजे महाआरती की गई। इसके बाद श्रद्धालुओं को चने की दाल और ककड़ी का प्रसाद बांटा गया। नागफणी में भगवान बद्रीनारायण का ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ पर समस्त धार्मिक रस्में बद्रीनाथ धाम की तर्ज पर ही की जाती है। प्रभुदास जी महाराज थे पहले बड़े गुरु, वो पहले जनेश्वर में विराजते थे, फिर यहाँ के उन्होंने पूजा करी भगवान की। यहाँ बनी हुई गुफा एक, उसके अंदर वो रहते थे, फिर एक एक पत्थर चुके उन्होंने बनाया था यह मंदिर। फिर शीतलदास जी महाराज उनके चेले उनको लेकर आए थे, वो उनकी खूब अच्छी सेवा भक्ति करी, फिर ये बड़ा ये मंदिर बना। खूब भगत आते हैं यहाँ आखा तीज के दिन। अक्षय तृतीया पर जहाँ उत्तराखंड स्थित बद्रीनाथ धाम के पट खुले, वहीं नागफणी के बद्रीनारायण मंदिर के भी पट खोले गए। इस मौके पर भगवान बद्रीनारायण का आकर्षक और नयनाभिराम श्रृंगार कर दोपहर 12 बजे आरती की गई और प्रसाद का वितरण किया गया। तो आज से क्या है कि वहाँ भगवान जहाँ बद्रीनारायण विराजमान है वहाँ पर क्या है कि सेवा बटी हुई है, देवता और मनुष्यों के बीच में सेवा बटी है। तो क्या है कि 6 महीना देवताओं ने की सेवा होती है जो ठंडी के दिन में है, और 6 महीना आज से और जब तक वो कार्तिक का महीना आएगा वहाँ तक मनुष्यों की सेवा होती है। तो आज के दिन जो है मनुष्यों की सेवा प्रारंभ हो गई है, और इसीलिए जो है ये पूजा आरती और उत्सव अनेक प्रकार के जो है ये भगवान के विषय में गीत गान आदि होते हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि अक्षय तृतीया के अवसर पर भगवान के मंदिर के खोले गए पट दिवाली तक खुले रहेंगे। इस मौके पर श्रद्धालुओं के लिए आम भंडारे का आयोजन भी किया गया। विशेष पर्व मनता है और सुबह से आरती पूजा 24 घंटे का रामायण पाठ था कल से, हाँ जी अखंड रामायण का पाठ था। आज उसकी पूर्णाहुति है अभी 12 बजे। उसके बाद भक्त लोग आने जाने वाले लगे हुए हैं दर्शन करने के लिए, और दोपहर को फिर 12 बजे आरती हुई है। शाम तक ये कार्यक्रम चलेगा करीब 10 बजे तक। ये हर साल उत्सव होता है बद्रीनारायण जी का।